चलो जो हुआ सो हुआ, बाकी ये छोटी छोटी चीजें ना देख के चलनी चाहिए। मुगलों के आसपास का ये शहर बना हुआ है, ये देखो कितनी छोटी छोटी ईंटें लगी हुई है। यहाँ पे एक महल था और उसके जो नवाब थे, हरिद्वार 128 किलोमीटर, तो अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार की साइड में। अच्छा हुआ किसी गाड़ी के नीचे नहीं आया, अगर गाड़ी के किसी के नीचे आ जाता ना। बाइक को कर दिया है कोल्ड स्टार्ट और मैं भी बस रेडी हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अरशद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्श वेंचर व्लॉग्स। तो आज की राइड अपने गांव से, लेट तो हो गया पहले ही। मेरा प्लान था कि सुबह 7 बजे निकलूंगा, लेकिन 7 बजे नहीं निकला, नींद बहुत तगड़ी आ रही थी। तो अभी देखता हूँ अपने गाँव के आसपास एक छोटी सी राइड करके आता हूँ। तो चलो आप लोगों से मिलता हूँ सीधा बाइक पर। साहब लेट हो गया थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे जल्दी जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हमारे गांव में नहीं, रोड का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा टूटा टूटा सा नज़र आ रहा है। क्या बात है, ये है पानी का तालाब जिसे कहते हैं हम जोड़ा। ऐसे रोड पे चलाने का ना अपना अलग ही मज़ा है। दिल्ली में तो ऐसा रोड मिलता नहीं, ट्रैफिक ही मिलता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ राइड पर और साथ में जा रहे हैं रिजवान और आके भी, अभी आगे गाड़ी लेके ये पीछे पीछे आ रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, अगर मेरी चैनल पे ग्रोथ हो जाए ना, कुछ इनकम आने लगे, तो मैं अपने गांव में रहकर ना बहुत व्लॉग बनाऊं, यहीं से ज़्यादातर जाऊं। क्या मज़ा आ रहा है यार, जितना कहूँ उतना कम है। सबसे पहले ना मैं घर जाके, अपने मतलब दिल्ली जाके ना, इसका माइक का कुछ करूँगा यार। मैंने वीडियो बाद में देखी है, इतनी चिड़चिड़ 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 बहुत आती है, किसी भी वीडियो में देख लो सेट ही नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या हो रहा। माइक चेंज करूँगा मैं जाके इस बार। ये वाला रोड ना कभी इतना गंदा होता था, मतलब सिंगल तो अब भी है, ये जो दो रोड दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एक ही होता था, मतलब ये एक ही रोड होता था, उधर से गाड़ी आती थी तब हम बाइक लेके जाते थे ना इधर से। तो भाई साहब बड़ा रिस्क लगता था, भाई कोई गाड़ी इधर से आ जाए, कोई हमें ठोक के ना चली जाए। और अब तो खैर गांव के रोड भी इतने अच्छे हो गए, जो कि दिल्ली के भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। दिल्ली में भी ना टूटा फूटा हर जगह, इधर उधर टूटा, और यहाँ देखो इतना अच्छा रोड कर दिया। कमेंट करके बताओ ना भाई वीडियो आप लोगों को गाँव की भी ये सीरीज़ जो है कैसी लग रही है। गांव में यहां पे ऑफ रोडिंग भी, भाई गांव भी दिखाया और एक ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाया। एक जगह और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो अभी मैं आ चुका हूं अपने गांव के पास, एक जो शहर है काफ़ी अच्छा शहर है और पुराने टाइम का शहर बना हुआ है, समझ लो कि मुगलों के आसपास का ये शहर बना हुआ है। तो वो भी अंदर से जाके आप लोगों को दिखाऊँगा अभी। ये देखो ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, रथ बनी हुई है। ये है हमारा चांदपुर शहर, और यहाँ पे लोग कितना देखते हैं। देखो गांव के लोग ना, पीछे तो नहीं कहूँगा, उनके सामने ऐसी चीज़ें नहीं आती, उनके सामने ये ना चीज़ें बहुत, मतलब कहाँ दिखती यार, कौन आता है इस साइड में। मैं तो यही कहूँ तो लेके आ गया बाइक को, तो उनके लिए ना एक नई चीज़ है। देख तो होंगे भाई, सामने से चीज़ देख रहे हैं बाइक को, इतनी बड़ी बाइक कहाँ, या प्लेटिना स्प्लेंडर चलती है, तो इसलिए थोड़ा सा लोग देखते हैं, और ये हमें भी अच्छा लगता है कि लोग देख रहे हैं। ये जो हमारा चांदपुर शहर है ना, इसके अंदर इतने पुराने पुराने टाइम के घर बने हुए हैं, जो कि हैं छोटी छोटी ईंटों के बने हुए। और मैं अब अंदर से जा रहा हूँ, थोड़ा सा भीड़ तो रहती है यहाँ पे, थोड़ी सी नहीं बहुत भीड़ रहती है, और लोगों का रिएक्शन भी देखना
कैसे देखते हैं भाई, कौन बंदा आ गया ये देखो सामने कैसे देख रहे हैं। ये बहुत पुराने टाइम का ये भी घर बना हुआ है। अंदर से हमारा चांदपुर शहर और यहाँ का पान बहुत मशहूर है। रिएक्शन देखो बढ़िया देखो पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला जो घर देख रहे हो, ये देखो कितना पुराने टाइम का बना हुआ है, पुरानी लाखोरी ईंटें लगी हुई है इसमें। और ये वाला घर देखो, ये देखो ये भी कितना पुराना बना हुआ है, ये दरवाजे देखो कितने पुराने टाइम के हैं, ये देखो है ना, मतलब बहुत पुराने। चांदपुर शहर भी ना काफ़ी पुराना है। और ये वाला देखो, ये देखो कितनी छोटी छोटी ईंटें लगी हुई है। यहाँ का जो महल होता था ना, यहाँ पर एक महल था और उसके जो नवाब थे तो वो भी हमारे जान पहचान के थे, मेरे दादा के दोस्त ही थे। अब तो वो उनकी डेथ हो गई। ये चांदपुर शहर है, इसमें एक फेमस चीज़ और है, जैसे बताऊँ ये जो रखे हुए ना, ये क्या बोलते, बताशे और बूरा, देखो ये बूरा और बताशे। इस ये ना चांदपुर शहर बूरा और बताशे के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ की बूरा ना बहुत फेमस है। और हमारे यहाँ पे एक जमा मस्जिद और है, जैसे दिल्ली में एक जमा मस्जिद है ना, यहाँ पे भी पुराने ही टाइम की, बहुत पुराने टाइम की जमा मस्जिद है एक। और ये पूरी फल मंडी है यहाँ पे। और देखो कलर बिखरे, जब मैं दिल्ली से यहाँ आया था तो आप लोगों ने ये वाला जो चौक है ये देखा था। तो इधर से आ रही है ट्रेन, वो देखो वो तो बहुत स्लो स्लो चल रही है। और इधर खड़े हुए बच्चे ट्रेन देखने के लिए, मुझे देखने के लिए कितनी स्लो चल रही है। अभी यहाँ से ना फास्ट हो जाएगी क्योंकि उन्होंने ट्रैक चेंज करा है। खुल गया फाटक भाई साहब, इधर से भी जा रहे हैं, निकल के उधर से भी जा रहे हैं, दोनों आपस में टकराएंगे। हर्ष वेंचर व्लॉग्स, हर्ष वेंचर व्लॉग्स। किधर हरिद्वार 128 किलोमीटर, तो अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार की साइड में, लेकिन हरिद्वार नहीं जा रहे, अब हम अपने खेतों की तरफ से निकलते हुए जाएंगे घर की तरफ को। एक पूरा सर्किट बन जाएगा राइड का। ओ भाई साहब कितना बड़ा तालाब देख रहे हो, कितना बड़ा तालाब है, पूरा दूर दूर तक तो पानी, वो बहुत बड़ा यार, ये तो मैंने पहली बार देखा है, कितना दूर तक तो वहाँ तक है। मैं अभी थोड़ा सा कहीं के लिए लेट हो गया यार, 11 बजे का ना मैंने किसी को टाइम दे रखा है और 11 बजने में 6 मिनट है यहीं पे। अभी घर पहुंचने में मुझे कम से कम भी अभी 10 मिनट या 15 मिनट लग जाएंगे। गाड़ी में चला दे, हाँ इसे तो सलेंसर को गाड़ी में रख दे, गाड़ी का यार, बाइक का सलेंसर निकल गया, एग्जॉस्ट निकल गया इसका, यहाँ से पता नहीं वो खुल के कहाँ गिर गया यार, चलो देखना पड़ेगा वो। अरे रहने देना, लगेगा थोड़ी, अब अपनी लगा, अब गाड़ी में रखो इसे। ये छोटी छोटी चीज़ों को चेक करके चलना चाहिए। अभी मेरे साथ ना एक पंगा हो गया, वो आपने देख लिया, साइलेंसर जो है उसका एग्जॉस्ट है वो निकल के गिर गया, उसका जो नट था वो पता नहीं कहाँ कहाँ गिरा यार, मुझे यही यहाँ डाउट है, इस जगह पर देखते हैं कहाँ गिरा यार। मुझे कल से ध्यान था कि वो लूज़ हो रहा है,
लेकिन ऐसा ध्यान नहीं दिया मैंने कि यार लूज हो रहा है, उसको चेक कर लेना चाहिए। यार शिट, एक पंगा हो गया, देखते हैं कहीं यहाँ का डाउट, बस यहाँ यहाँ मिल सकता है, अगर मिला तो अब देखते हैं यहाँ यहाँ पर कहीं, यहाँ तो तक तो ठीक था, नहीं मिला तो बिना एग्जॉस्ट के चलानी पड़ेगी, या अपने गांव में किसी से बोलना पड़ेगा भाई कोई ऐसा, वैसे 10 mm वाला नट लगेगा उसमें, बस यहाँ तक देखता हूँ बस लास्ट, कहीं नहीं मिला। चलो जो हुआ सो हुआ, बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें ना देख के चलनी चाहिए हमें, ना ये देखना चाहिए कोई स्क्रू वगैरह लूज ना हो, अगर स्क्रू लूज है ना तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है भाई साहब। अच्छा हुआ किसी गाड़ी के नीचे नहीं आया, अगर गाड़ी के किसी के नीचे आ जाता ना तो उसमें किसी गाड़ी में प्रॉब्लम बहुत हो जाती। कोई नहीं यार, चलो अभी ऐसे ही चल रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी। तेज आवाज आ रही है, इसका एग्जॉस्ट निकल के गिर गया और सामने कितना चल रहा है। चलो कहीं से एक स्क्रू लेके और मुझे लगाएंगे, आवाज़ तो मुझे कम करनी ही करनी है। तो अब यहाँ से सीधा थोड़ी सी दूर पे हमारा गांव है, और ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन चुकी है, आवाज़ कितनी बुरी लग रही है और दिमाग भी ख़राब हो गया, सच में यार मन ख़राब हो गया पूरा। बाकी इस वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं, होप करता हूँ यार आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, होप करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय। सामने हमारा गाँव, और गाँव से लेके जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे बताया, इतना आवारागर्दी कर रहा है कि साइलेंसर भी निकाल रखा है।